हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा आ जाता है जो हमारे जीवन को प्यार से भर देता है और उनके लिए ही हम जी रहे होते हैं। वो जब हमारे पास में होते हैं तो उनकी बातें, और जब वो दूर चले जाते हैं तो उनकी बातें याद आती हैं। और फिर मेरी लाइफ में आई प्रिया। प्रिया, कुछ बात करनी थी ना? मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर रहे हैं अजय। हमारे प्यार और तुम्हारे बारे में बताया मैंने। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारा जॉब उनको पसंद नहीं। मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं पसंद। 3 साल के हमारे प्यार को बस 3 महीने का समय दो, मैं सेटल हो जाऊंगा। अजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे अलावा कोई और लाइफ पार्टनर के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। हमेशा मेरे लिए कुछ भी करोगे ऐसा कहते थे ना, अब मुझे लेकर भागने के लिए बोल रही हूँ। अब बताओ तुम ये कर सकते हो? प्लीज प्रिया, रोना मत। मैंने तुम्हें रुलाने के लिए प्यार नहीं किया है, मैंने तुम्हें खुश रखने के लिए किया है। देखो, हम प्यार करके जितना खुश हैं उतना ही खुश हमें शादी के बाद भी रहना है। वो खुशी सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे अपनों के लिए भी होनी चाहिए। आई रियली लव यू, जल्दी कुछ करो ना। टेंशन मत लो, 3 महीने में ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से शादी की बात कर लूंगा। तुम देखना, सबके सामने ही हमारी शादी होगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अजय, अजय, क्यों बे अज्जू, फाइनेंस लेने के टाइम जो इंटरेस्ट था, अब वापस देने में उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा? 3 दिन से मैं तुझे लगातार कॉल कर रहा हूँ, मिलियन व्यूज मिला है ना, और क्या चाहिए तुझे? हाँ, गाने का रिंगटोन रखा होगा। जब भी मैं फोन करता हूँ तो आइटम सॉन्ग सुनकर एंजॉय करता है क्या? वो थोड़ा बिजी था इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाया, सॉरी भाई। गलती करके सॉरी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम, लेकिन सॉरी बोलकर गलती नहीं करना। अजय, अजय, ये सब क्या है? कौन सा पैसा? ये लोग कौन है बताओ? ये कौन है? लवर है तेरी। नाइस टू मीट यू, आई एम डेविड भाई। वाइजेक बोले तो बीच याद आएगा ना, फाइनेंस बोले तो ये भाई याद आएगा। ये मेरे से पूरे 10 लाख लिया था विद GST, बट नो इंटरेस्ट, नो कॉल लिफ्टिंग। भाई, भाई, अच्छी ऐसा फिगर को मेंटेन करने के लिए 10 लाख कुछ नहीं है रे। बेचारा कैसे देखभाल करता होगा इसकी? देख, मुझे जल्द से जल्द दे दे 10 लाख विद इंटरेस्ट विद इन 24 आवर्स। नहीं तो इसे ले जाऊंगा मैं। प्लीज उसे छोड़ दो, उसे कुछ नहीं पता। तुमको भी कुछ पता नहीं? डेविड भाई को कहाँ पहचानता है तू? इसे ले जाकर कार में डालो रे। कोई नूर हीरे जैसी है, इसको लेकर 10 लाख क्या, 10 करोड़ भी हंसी खुशी दे सकता हूँ। डेविड प्लीज भाई उसे छोड़ दो, उसे कुछ नहीं पता। अब 24 घंटों में मेरे 15 लाख दे दे और इसे लेकर जा। बाय बाय डेविड भाई। डेविड भाई प्लीज।
हेलो पापा। दो दिन से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। कहाँ हो? पापा ऑफिस में अर्जेंट काम था, सुबह ही आया हूँ इसलिए कॉल नहीं उठाया। बहन के ऑपरेशन के लिए दो दिन में सब कुछ तैयार करना है। वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं जो हमें कल तक देना है उन्हें। मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ पापा, मैं पैसे जल्दी लेकर आता हूँ। तुम्हारी बहन को डर लग रहा, वो तुमसे बात करना चाहती। भैया ये मेडिसिन, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल, ये कुछ नहीं चाहिए भैया। आप मेरे पास आ जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। खुशी मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हर व्यक्ति यही सोचता है कि दुनिया को एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अंत में व्यक्ति को पता चल ही जाता है कि ये दुनिया आखिर में है क्या। आज मेरे सामने वो दिन आ ही गया। मुझे 24 घंटों में 25 लाख चाहिए, लेकिन क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, पर आज मैं आपसे मांगता हूँ, क्योंकि अब तक मेरी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन आज मैं बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हूँ। कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान जी, जिससे मैं इस मुसीबत से निकल सकूँ।